हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि एक गर्भवती महिला को नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन से घरेलू उपाय अपनाने चाहिए ताकि बच्चेदानी का जो मुँह है वो टाइम से खुल जाए। जब तक बच्चेदानी का मुँह खुलेगा नहीं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम से बच्चेदानी का मुँह खुलना। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी मददगार भी होंगे। बस अगर आप गर्भवती हैं, आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसके द्वारा योनि मार्ग से बच्चा जो होता है वो बाहर आता है, यानी कि योनि मार्ग से बच्चे का जन्म होता है। और जब नेचुरल प्रोसेस यानी कि नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा जब बाहर आता है तो इसमें जो महिला होती है वो रिकवर बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट होती है। तो बने रहना है वीडियो के एंड तक। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए प्रेगनेंसी से जुड़ी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का 8वां महीना जब एंड होने वाला हो और 9वें महीने की जब शुरुआत हो तब से ही आपको ये उपाय अपनाने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई परेशानी है, गर्भ में बच्चा बेहद कमज़ोर है या डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट को बोला है, डॉक्टर ने आराम करने को बोला है, तो आप घरेलू उपाय कभी भी ना अपनाएं, ठीक है? कोई भी हार्ड वर्क आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल ना करें। आपको सिर्फ आराम ही करना है। सब कुछ नॉर्मल है, आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी है, तो आप उपाय अपना सकती हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के एंड से ही या फिर 9वें महीने के शुरुआत से ही आपको हल्दी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। हल्दी में दर्द निवारक गुण होते हैं जो दर्द को यानी कि प्रेशर पीड़ा को कम करने का काम करती है। काफ़ी राहत भी मिलती है और नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी मदद करती है। तो हल्दी तो आप अपनी डाइट में शामिल करते ही होंगे, सब्जी में, लेकिन आपको हल्दी वाला दूध बना के पीना है। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा जो उपाय है वो ये है, अदरक लहसुन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कोई परेशानी नहीं है, तो आपको गर्म तासीर वाली चीज़ों का 9वें महीने में ज़्यादा सेवन करना चाहिए। गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन करने से मांसपेशियों में लचीलापन आता है और बच्चे को आसानी मिलती है पूरी तरह से हेड डाउन करने में और बच्चेदानी का मुंह खुलने में, ठीक है? तो यानी कि आप ड्राई फ्रूट आपको भिगो के नहीं खाने हैं 9वें महीने में, रूखे ड्राई फ्रूट खाने हैं, ऐसे ही सूखे ड्राई फ्रूट खाने हैं, ठीक है? तो इससे आपकी काफ़ी मदद होगी और आपको अदरक लहसुन का भी सेवन ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको गुनगुना पानी स्टार्ट कर देना चाहिए पीना। इससे आपकी मांसपेशियाँ बहुत रिलैक्स हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी, यानी कि उनमें लचीलापन आ जाएगा, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी मदद होगी। नेक्स्ट उपाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम से बच्चेदानी का मुँह खोल चाहती हैं तो अपने आप को एक्टिव रखिए, वॉक जरूर कीजिए, पैदल जरूर चलिए। इससे आपकी काफ़ी मदद होगी नॉर्मल डिलीवरी में। और आप हो सके तो आप उस टाइप से ज़्यादा काम कीजिए जिस टाइप से आप यूरिन पास करती हैं, पॉटी पास करती हैं, ठीक वैसे ही आपको बैठ के काम करना है। आप चाहें तो एक कमरे में पोंछा लगाइए, बैठ के लगाइए, जिससे क्या होगा, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है? जब आप पॉटी पास करती हैं, यूरिन पास करती हैं, उस टाइप से ज़्यादा बैठ के काम करेंगी तो जाहिर सी बात है आपके बच्चेदानी का मुँह टाइम से ज़रूर खुल जाएगा। नेक्स्ट, आपको खजूर का सेवन ज़रूर करते रहना चाहिए। 3-4 खजूर आपको दूध के साथ ज़रूर लेने हैं। इससे भी आपकी बच्चेदानी का मुँह खुलने में काफ़ी मदद होगी, ठीक है? साथ ही एक हेल्दी और एक बैलेंस्ड डाइट लें और पैदल ज़रूर चलें। पैदल चलना बिल्कुल ना भूलें, यानी कि जब खाना खा लें उसके बाद आपको पैदल थोड़ा चल लेना है। इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी उपाय बताऊँगी, बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के पास भेजना है और अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।